हेलो फ्रेंड्स, आज हम यात्रा करेंगे पीलीभीत से टनकपुर में शारदा घाट से लेकर नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर तक। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। दोस्तों, यह व्यू है हमारी बांसुरी नगरी पीलीभीत के रेलवे स्टेशन का, और फ्रेंड्स हमारी ट्रेन निकल चुकी है मॉर्निंग में 7:15 से। फ्रेंड्स, आज कुछ हल्का सा कोहरा भी नज़र आएगा जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मझोला से आगे, जो कि एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। फ्रेंड्स, यह है टनकपुर रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी साफ सुथरा नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, यह है टनकपुर रेलवे स्टेशन, जो कि कुछ मंदिरनुमा टाइप का लगता है, क्योंकि यहाँ से माँ पूर्णागिरी धाम के लिए वाहन वगैरह मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, यह व्यू आप देख सकते हैं टनकपुर स्टेशन का बाहर से। और फ्रेंड्स, एक चीज़ काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई है। यह व्यू है फ्रेंड्स टनकपुर मार्केट का। मॉर्निंग में फ्रेंड्स कुछ कम भीड़ है। यहाँ से आप कपड़े वगैरह या रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम चलेंगे शारदा घाट की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं शारदा घाट की तरफ। यहाँ से सीढ़ियों से होकर हमें शारदा घाट जाना है। वहाँ हम करेंगे फुल एंजॉय एंड मस्ती और करेंगे स्नान। अब दोस्तों, हम आ गए हैं शारदा घाट पर, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है और सुबह सुबह कुछ कम चहल पहल है। दोस्तों, आप टनकपुर बाइक से, कार से, रेल से या अपने निजी वाहन से आ सकते हैं, और यहाँ पे होटल भी काफ़ी अच्छे दामों में उपलब्ध है। दोस्तों, यह व्यू है शारदा घाट का, जो कि बेहद सुंदर नज़र आएगा, लेकिन आज कुछ कोहरे की वजह से पहाड़ पूरी तरीके से नज़र नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों, हम करने वाले हैं स्नान। देखिए दोस्तों, यह गाय है टनकपुर की, जय गौ माता। अब दोस्तों, हम चलेंगे नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर की ओर, जिसे यहाँ के वासी पार मंडी भी बोलते हैं। दोस्तों, यह है शारदा डैम, जो कि बेहद सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप बाइक भी ले सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 1 घंटे के लिए 200 रुपये है। अब फ्रेंड्स, हम चलेंगे शारदा डैम की तरफ। दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी साफ सफाई है। फ्रेंड्स, यह देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़र लग रहा है ये। फ्रेंड्स, यहाँ से आप बाइक से जा सकते हैं, पर सवारी 10 रुपये सिर्फ। अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बेहद सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। यहाँ लोग पूजा अर्चना करने ज़रूर आते हैं। बिना यहाँ आए पूर्णागिरी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है दोस्तों, और यहाँ पे आप बैठकर चाय वगैरह भी पी सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यह व्यू है रात में टनकपुर स्टेशन का। यहाँ से 6:25 तक ट्रेन निकल चुकी है हमारी पीलीभीत के लिए।